चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, बहुत कंफ्यूजिंग थिंग। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन को लगभग सिमिलर मान लिया जाता है, लेकिन दोनों में काफी सारा अंतर है। तो उस अंतर को आज हम देखेंगे और उसे याद भी कर लेंगे अच्छे से, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं ब्रीदिंग की, ब्रीदिंग क्या होता है? सांस लेना, सांस छोड़ना, दैट इज ब्रीदिंग। बस इतना सा चीज है ब्रीदिंग में, सांस लेना, सांस छोड़ना, और जो आपके ऑर्गेन्स इसमें आते हैं, लंग्स, ठीक है? इतना सा काम किसमें होता है? ब्रीदिंग में होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन को अगर मैं सेलुलर रेस्पिरेशन एक पल के लिए कह दूं तो उस चीज को समझते हैं, ठीक है? पहले हम समझते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, इसका मतलब क्या है देखना। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब होता है हर एक सेल को ना दो चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज उसे चाहिए होता है ऑक्सीजन, दूसरी चीज उसे चाहिए होता है फूड। फूड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्म में हर एक सेल को फूड चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन, ठीक है? तो फूड तो चाहिए ही चाहिए, ऑक्सीजन मिले तो अच्छा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तब भी काम चल जाएगा, ठीक है? तो क्या होता है, हर एक सेल ऑक्सीजन का यूज करके फूड को तोड़ती है। किस लिए? एनर्जी निकालने के लिए, क्योंकि हर एक सेल को अपना फंक्शन करना है। तो जो प्रोसेस, ये प्रोसेस कि फूड को हम ब्रेक डाउन करें एनर्जी निकालने के लिए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। बात समझ में आई? तो देखो देखो, इधर ब्रीदिंग मतलब होता है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं इनहेलेशन, इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब होता है सांस लेना, सांस लेना। और दूसरा होता है एक्सपायरेशन, या इसी को कहते हैं एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन यानी सांस छोड़ना, ठीक है? सांस छोड़ना, ये सिंपल सी चीज आपकी क्या हो गई? ब्रीदिंग। सांस लेना, सांस छोड़ना, ये आपका क्या हो गया? ब्रीदिंग हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये जो हमने सांस ली है ना, इसमें क्या आता है? हमारा ऑक्सीजन। और जो हमने सांस छोड़ा है उससे क्या जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही ऑक्सीजन हर एक सेल में आएगा, ईच सेल में आएगा ये, ठीक है? ईच सेल में क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा, प्लस क्या आएगा? ग्लूकोज। हर एक सेल को खाना चाहिए और क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ये आपका क्या बनाएगा? ये ऑक्सीजन खाने को तोड़ेगा और हमें क्या दे देगा? एनर्जी दे देगा, ठीक है? एनर्जी दे देगा। ये प्रोसेस आपकी कहलाती है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है? तो इसे मैं अगर साधारण भाषा में कहूं तो मैं इसे कहूंगी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी। यही क्या है आपका? सेलुलर रेस्पिरेशन है। कहां पे? सेलुलर लेवल पे, इन सेल। तो ये क्या है आपका? सेलुलर रेस्पिरेशन है, ठीक है? बात समझ में आई? सांस लेना, सांस छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या है? ग्लूकोज को तोड़ना, चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो क्या किस लिए तोड़ना? एनर्जी निकालने के लिए। ये आपका कहलाता है रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है? अच्छा देखो जरा, अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और दूसरा होता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। बात समझ में आ रही है? दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस में होगा तो एनएरोबिक। दोनों में काम एक ही होना है, ग्लूकोज को टूटना है और क्या निकालना है? एनर्जी निकालना है। इसकी पूरी एक लंबी स्टेप होती है, पर हम शॉर्ट में सिर्फ अंतर समझ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ये बात तो किसकी हो गई? सेलुलर रेस्पिरेशन की। अब रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों आ जाते हैं। सांस लेना,
ठीक है, सांस लेने से हमें क्या होता है, सारे सेल्स के अंदर हमारे ऑक्सीजन जाते हैं, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ते हैं और क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिलीज कर देता है, आपका ब्रीदिंग के प्रोसेस के थ्रू वो रिलीज हो जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, और ब्रीदिंग सिर्फ और सिर्फ क्या है, सांस लेना सांस छोड़ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों में अंतर, अच्छा खासा अंतर आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं सब नए कंफ्यूजिंग टर्म्स के साथ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके।